अब आईपीओ के मॉड्यूल में हम एक लास्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे असली में प्रैक्टिकल में डीआरएचपी दिखता कैसे। अब अगर आप कन्विंस हो गए हैं कि मुझको इस आईपीओ में पैसा लगाना है, तो क्या प्रोसेस क्या है, कैसे आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं? जो ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम आईपीओ होगा, आप उसको क्लिक कीजिए। अगर बहुत सारे आईपीओ उस समय ओपन होंगे तो बहुत सारे आईपीओ देखेंगे, आप अपना आईपीओ सेलेक्ट कीजिए, और अपने आईपीओ सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना पड़ता है आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बिड कर रहे हैं। तो वहां पे आपको 75 के मल्टीपल पे, हमारे पुराने एग्जांपल के तौर पे, आपको 75 के मल्टीपल में डालना पड़ेगा। लेट से आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहां पे 75 क्वांटिटी डालिए, फिर आपको प्राइस डालनी पड़ेगी कि किस प्राइस पे आप बिड कर रहे हैं। तो 190 से 200 का अगर प्राइस बैंड है तो 200 रुपए पे आप डाल दीजिए, या 195, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन उसके साइड में एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। अब ये कट ऑफ प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सबसे ज्यादा बिड इस कट ऑफ प्राइस पे आती है। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि मुझको मतलब नहीं है कि ये 195 वैल्यू पे जाएगा, या 200 पे जाएगा, या 190 पे जाएगा। जिस भी वैल्यू पे वहां पे बुक फुल हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था 2000 करोड़ के लिए अगर 4000 करोड़ का बिडिंग आ गया, जिस भी प्राइस पे वो बिडिंग कंप्लीट हो रही है, आपको वो कट ऑफ प्राइस पे, उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, और आपको शेयर्स उस पे एलोकेट हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये किया, UPI मैंडेट एक जाएगा जिससे आप मैंडेट को अप्लाई करोगे, और UPI के थ्रू आपका पैसा वहां पे ब्लॉक हो जाता है। जब मैं कह रहा हूं पैसा ब्लॉक होता है, इसका मतलब क्या है? ये एक नया फीचर कुछ साल पहले ही मार्केट में आया था, जो सेबी लेके आया था, जिसको बोलते हैं ASBA। इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पहले जमाने में क्या होता था कि जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते थे, तो आपको एक साथ में एक चेक लगाना पड़ता था, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल के विड्रॉ हो जाता था। लेकिन अगर आपको आईपीओ नहीं लगा, जैसा कि मैंने बताया सबको आईपीओ नहीं लगता, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपको पैसा रिफंड आएगा। अब वो रिफंड आने में भी बहुत टाइम लग जाता था, महीनों लग जाते थे, तो इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो खराब हो रहा था, और फिर लोग पैनिक भी करते थे मेरा पैसा कब आएगा। तो जब सेबी ये ASBA फैसिलिटी लेकर आया, इसने ये बोला कि पैसा कहीं विड्रॉ नहीं होगा, पैसा कहीं निकलेगा नहीं, ये आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका आईपीओ लग जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपको आईपीओ मिल जाता है, तो ये पैसा बैंक अकाउंट से रिलीज हो जाएगा और आपको कंपनी को पैसा चला जाएगा। आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, उनको पैसा दे रहे हो ना शेयर्स के लिए, आपको वो कंपनी मैनेजमेंट को चला जाएगा। लेकिन अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आपका ये पैसा रिलीज हो जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हो अपने बाकी काम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि जब ये पैसा ब्लॉक्ड है आपके अकाउंट में, आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। तो वो जो पहले जो इंटरेस्ट आप लूज कर रहे थे महीनों के लिए, अब वो पॉइंट नहीं है, ब्लॉक होने के बाद भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप चिंतित नहीं होगे, आप आराम से इसमें ASBA फैसिलिटी को यूज करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.